गुरु नानक देव के पांच ही प्यारे थे जो पंच प्यारे कहलाए। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के साथ में ये पांच ही पांडव थे। आप भले ही थोड़े हैं लेकिन आप वो शक्तिशाली युवा शक्ति हैं जिनको आज जिस प्रकार से रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ललकारा था उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आज हमारे सबके युवा शक्ति के सेना नायक आपको उस असमंजस से बाहर निकालने वाले हैं। दो पंक्ति उनके लिए है कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर जिनका अपना अंदाज है, इस दुनिया को अगर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अगर दी है तो हमारे सद्य डॉक्टर साहब है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर इनका अपना अंदाज है, लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है, लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है। ऐसे सेना नायक पर हम युवा शक्ति को नाज है। युवाओं के ये महानायक हैं जो अपने प्रखर विचारों से सबके दिलों पर करते राज हैं। आज युवा शक्ति इनकी ओर देख रही है और उस असमंजस से वो दूर हमें निकाल करके और एक उस जंग में ले जाते हैं जहां हम अनीति के विरुद्ध खड़े हो सकें। ये ललकारते हैं, बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। योग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है, जाने कितने शुभ कर्मों ने यह योग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है, हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, हम सच्चे साथी यह विश्वास बढ़ाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं, पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं, पछतावे का मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है।
शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। और शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। माथाओं को चीर चीर कर, माथाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। हमारा गुरु अनुशासन शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक है हम महाकाल के अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। अवच हमारा गुरु अनुशासन शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक है हम महाकाल के अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगा कर, संकल्प जगा कर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, ये संकल्प दिलवाएं कि हम सब साथ हैं और चलेंगे बुलंद हौसले के साथ। गुल बज गया महाकांत का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का लाडला सबसे बड़ा बेटा गुजरात सामने है, और गुरुदेव के सर्वोच्च प्रतिनिधि हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब अभी आपके सामने हैं। तो ज़रूर कोई तो बात होगी, चलते चलते कही जाने वाली बात बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि माँ के पास बेटी तो रहती है, लेकिन ससुराल जाने के लिए पहली बार निकलती है तो कहते हैं माँ कुछ और ऐसी बातें बताती हैं जो उसी समय ही बताती है, बाकी तो वो पोथा देती रहती है, वो उपदेश देती रहती होगी, पर वो जो बातें होती हैं वो गांठ में बांध कर रखने वाली होती हैं और उसे कोई बेटी कभी नहीं भूलती। कोई शिष्य जब आखिरी बार विदा लेता है अपने गुरु के आश्रम से, उस समय भी गुरु कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जैसे कहते हैं शिवाजी को गुरु दीक्षा दी थी तो उनके गुरु ने घोड़े की लीद, पत्थर और लोहा दिया था, तो उनके जो गुरु भाई लोग आके पूछे भाई आपके गुरु ने ये क्या दे दिया, तो शिवाजी गंभीर होके बोले मेरे गुरु ने इसमें ज़बरदस्त संदेश दिया है, घुड़सवार सेना बनाओ, किले तैयार करो दुश्मनों से लड़ने के लिए, और फौज के लिए खूब हथियार इकट्ठे करो। भाइयों बहनों, कुछ श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको कुछ देने वाले हैं, ये तो पक्का है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश थे, उन्होंने अपनी आधी संपत्ति, संभवतः गुरु जी ने लिखा है कहीं पे वांग्मय में, उन्होंने पांडवों के इंद्रप्रस्थ निर्माण में दे दिया था, और बाकी आधी संपत्ति उन्होंने सुदामा को गुरुकुल बनाने के लिए दे दिया था। किसी को कानो कान पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बहुत बड़ी संपत्ति तो इसमें दे दी थी। अब गुजरात वालों, आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब को क्या देने वाले हैं? द्वारिकाधीश यहीं पर रहते थे, उन्होंने तो बहुत बड़ी एक परिपाटी बना दी है, इंद्रप्रस्थ का निर्माण और इधर सुदामा के गुरुकुल का निर्माण, और विषय वो है
जो सबसे कड़वा वाला विषय है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तपा। हे अर्जुन, अपने हृदय की इस कायर वाली दुर्बलता को छोड़ करके उठ के खड़े हो जा, परम तप, तो बहुत तपस्वी है, तो कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो सामने ये अर्जुन सब बैठे हुए हैं भाई बहन, और सामने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करके हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। कुछ अच्छा घटित होने वाला है, जरूर आपसे कुछ बड़ी चीज़ वो लेंगे या कुछ बड़ी चीज़ देंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, सूर्य भगवान का तेज अपने प्रखर तेज पर है, चरम सीमा पर है। ये शरद ऋतु लग चुकी है, और शरद ऋतु लगने के साथ साथ थोड़ा सा मौसम गर्म रहता है, उसके बाद अब फिर ठंडक आने वाली है। मालूम नहीं मित्रों आपके आएगी कि नहीं, पर हमारे यहाँ ज़्यादा आएगी ठंडक। हमारे यहाँ की ठंडक से लोग बहुत डरते हैं, गुजराती लोग बहुत डरते हैं। गुजरात के लोगों को ठंडी जगह जाने में बड़ी परेशानी होती है, पर जब हमने मुनस्यारी बनाया तो मुनस्यारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संविधान हमारे गुजरात के लोगों ने दिया, गुजरात के लोगों ने संविधान दिया। 8,500 फीट की ऊंचाई पर कम से कम कुछ नहीं तो दो तीन डिग्री और -5-10 डिग्री पर टेम्परेचर में उन्होंने काम किया। ऐसे प्राणवान हमारे बिजली का काम, हमारे पंप का काम, पानी का काम, झरने से पानी लाने का काम, ये सारा काम हमारे गुजरात के भाइयों ने किया है। मैं सबको भाव भरा धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर भीकू भाई ने वहाँ आकर 2-3 कैंप लगाए और ये सब किया। तो ये जो गीत गाया गया, ठंडी माँ मरो काया थथरे छूटी धीरज मारी, ये जो सूर्य के उपासक, गायत्री के उपासक, लोगों को ठंडी से नहीं घबराना चाहिए। ठंडी आएगी, पर अंतर जगत में ठंडक नहीं आना चाहिए। अंतर जगत में ठंडक आती है तो क्या होता है, काम करने में मन नहीं लगता, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, और उसी आलस्य प्रमाद से छुटकारा देने के लिए ये अंतिम आपके सामने उद्बोधन दे रहा हूँ मैं। और इस उद्बोधन में एक ही बात है कि हम अपने आप को पहचानें, और जाते जाते हम क्या लेके जाएं यहाँ से, जो हमारे जीवन में, कार्यकर्ताओं के जीवन में, भविष्य में काम आ सके। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि सूर्य भगवान के माध्यम से, उनके तेज के माध्यम से हमारे ऊपर गायत्री महाशक्ति का तेज बरसाएं, और उस गायत्री महाशक्ति की अनुकंपा से हम अंदर से बाहर तक प्राणवान होके निकले, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, तीनों हमारे अंदर गुण आज आते चले जाए। परम पूज्य गुरुदेव का लाडला बेटा कहा है गुजरात को, जैसा अभी कालीचरण भाई ने कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में एक विशेष जगह है गुजरात के लिए। न जाने कितने अनुदान बांटे हैं यहाँ, एक मगन भाई की बात कहानी बार बार आती है, परंतु न जाने कितने मगन भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको गुरुदेव ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कई प्रकार के अनुदान दिए हैं, आर्थिक रूप से भी अनुदान दिए ढेरों। अब देने का समय वापस आ गया, अब अपनी ओर से गुरु को देने का समय आ गया। ऐसे में हम प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको याद कर रहे हैं, आप हमें श्रेष्ठ बुद्धि देना, सही चिंतन करने की कला देना, कहीं हम गड़बड़ा नहीं जाएं, इस राह पर चलते चलते इधर उधर न हो जाएं। ये एक युवा पथ पाथे देने का जन्मदिन है, जिसमें कि रास्ते में काम आए ऐसी कोई चीज़ आपके मैं दूंगा। जीवन का रास्ता बहुत लंबा है, आज का रास्ता तो कट जाएगा, आज रात तक पहुंच जाओगे, देर रात तक अपने गांव पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, पर जीवन का रास्ता जो है ये बहुत लंबा है, और ये इसी जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। आत्मा की यात्रा अनंत होती है, शरीर पथिक है, आत्मा पथिक है, शरीर सराय है, और सराय होने के कारण थोड़े दिन के लिए आत्मा इसमें आई है, तो इस शरीर की यात्रा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि आत्मा की यात्रा। तो आत्मा की यात्रा के लिए जितने पुण्य संचय कर सकें उतने पुण्य संचय करने की कोशिश करना चाहिए। आइए गायत्री मंत्र से प्रार्थना करें गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
दियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। मंचासीन हमारे भाई लोग आदरणीय कालीचरण जी, दुबे जी, दिनेश जी, सभी हमारे ओंकार जी और जितने हमारे जोन उपजोन के गुजरात के सभी भाई आए हुए हैं, सभी भाई बहन, दीना बहन जो कि सारा जीवन गुरुदेव के कार्यों के लिए लगा चुकी है, नारी उत्थान के लिए, युवा उत्थान के लिए, अब युवा उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर लगने जा रही है। इसने नारी जागरण के लिए तो बहुत सारा काम किया है पर अब इसको हम युवा जागरण के कार्य में ले रहे हैं क्योंकि इसके पास अनुभव है, इसके पास भावनाएं हैं, संवेदना है और यही चीज़ें जो हैं किसी संगठन को ऊंचा उठाती हैं। ऐसे सभी यहाँ उपस्थित हमारे संगीत की टोली, हमारी सभी भाई बहन, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टोली, संतोष, दोनों संतोष यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ चलने वाले, हमेशा मेरे साथ साये की तरह से रहने वाले सूरज शुक्ला जी और यहाँ बैठे सभी हमारे प्राण प्रिय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। ये जो जीवन पथ है ये बड़ा मुश्किल है। इसमें क्या है कि समय समय पर परीक्षा होती रहती है। भगवान परीक्षा लेते हैं, हमारा टाइम टू टाइम हमारा लाइसेंस रिन्यू होता रहता है, बार बार चेकअप होता है, रिन्यू होता है। सही अर्थों में कहा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने वज्र की तरह से स्वयं को बनाया और हमको भी थोड़ा थोड़ा उसी का एक अंश बनाना चाहते हैं। मजबूत बनो, परिस्थितियों से मुकाबला करना सीखो। असमंजस तब होता है जब परिस्थितियां सामने आके खड़ी हो जाएं और हम कुछ न कर पाए। असमंजस का मतलब होता है करूं कि नहीं करूं। असमंजस का बहुत संस्कृत का शब्द है तो गुजराती लोगों को थोड़ी समझने में दिक्कत नहीं पड़े इसलिए बोल रहा हूँ। करूँ कि नहीं करूँ, मैं मिशन का काम करूँ कि नहीं करूँ, मैं युवा जागरण के अभियान में लगूँ कि नहीं लगूँ, मैं ये जय जयकार करूँ कि न करूँ और मैं रचनात्मक आंदोलन जितने हैं इनमें भागीदारी करूँ कि नहीं करूँ, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, ये बड़ी एक परेशानी वाली बात है। इस परेशानी वाली बात को दूर करने के लिए, असमंजस को दूर करने के लिए योगेश्वर कृष्ण का संदेश हमको याद करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। बार बार वो कहते हैं कि अर्जुन तो अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़, हृदय की दुर्बलता, ये हमारे हृदय की दुर्बलता है, हमारे अंदर की संकीर्णता है जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम हाथ में लेने से डरते हैं। हिम्मत करके करेंगे जाएंगे तो आप कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, सब जगह जाके अपना संदेश, गुरुदेव का संदेश पहुंचा के आएंगे। पर यदि हिम्मत नहीं है, यदि आपके पास मनोबल नहीं है, यदि आपके पास रूहानी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है अंदर की, तो फिर आप नहीं कर सकते। गुरुदेव ने कहा रूहानी शक्ति मैंने दे रखी है तुमको, तुम उसको पहचान नहीं पाते हो। अगर तुम उसको पहचान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितना काम करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। मित्रों, हम लोग अपने आप को नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं भरी पड़ी हैं। यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है ये आपको अंदाज नहीं है, पर वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए तो अब असली परीक्षा अब चालू हुई है। 2026 की तैयारी अब चालू हुई है। 2026 वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का वर्ष, 2026 अखंड दीपक का जन्म शताब्दी का, जलने की शताब्दी का वर्ष, जिस दिन जलाया गया था 20 जनवरी 1926 को जलाया गया था, अब 2026 में उसके एक पूरे हो जाएंगे साल, तो ये जनवरी से चालू हो जाएगा, 2026 की जनवरी से, और आज साल भर चलता रहेगा पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो उसकी तैयारी के लिए अभी से हमको अपनी
मनोबल को बनाना है, अपनी ताकत इकट्ठी करनी है, सारी की सारी शारीरिक मानसिक ताकत। अर्जुन जब अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को देखता है तो बड़ा घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। अर्जुन एक रोगी है जिसने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मारे लड़वानू नथी। चुपचाप शांति से उसने चुपचाप ये कह के गांडीव जैसा अस्त्र जो उसको देवताओं ने दिया था उठा करके उसने पीछे रख दिया और उसने कहा कि मैं योत्स योगेश्वर मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा तो अच्छा है कि मैं रुधिर प्रदग्धान रक्त से सने हुए भोगों को खाने की बजाय मैं संन्यास ले लूँ, भिक्षा ले लूँ, भिक्षा का सेवन करते हुए रहूँ। अरे तो क्षत्रिय है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू क्षत्रिय है, तू कहाँ से भिक्षा ले सकता है, तू कहाँ से, जब अज्ञातवास में रहा 13-11-12 साल के तुम लोग उसमें रहे, वनवास में रहे, उसमें 1 साल अज्ञातवास में रहे, वहाँ भी पहचान तुम्हारी छुपी नहीं, वहाँ भी तुम पकड़े गए। क्यों? क्योंकि क्षत्रियत्व तुम्हारा जागृत हुआ। एक राक्षस था जो आता था खाने के लिए, हर घर से एक एक आदमी लेता था। उस घर में जिसमें लोग रुके हुए थे, उस घर में उस राक्षस का आमंत्रण था कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं एक आदमी को ले जाऊँगा। उनकी माँ जो है बड़ी घबराई हुई कि आज हमारे यहाँ का आमंत्रण है उसका, वो आएगा। तो भीम ने कहा कि मैं मार दूंगा राक्षस को, तुम चिंता मत करो। भीम के उस राक्षस को मारने के बाद कौरवों को पता चल गया कहाँ छिपे हैं पांडव, कौरवों को पता चल गया किस नगरी में हो सकते हैं, क्योंकि उनके बल का पता ना चले, अज्ञातवास की ये शर्त थी, बल का पता ना चले। सैरंधरी बनकर एक महाराज कुमारी की सेवा में रहने का काम अर्जुन ने किया और वो अर्जुन भी पकड़ में आ जाता है जब वो अर्जुन कोई ऐसा काम करके दिखाता है जिसमें कि उसकी पहचान छिप नहीं पाती, पहचान पता लग जाती है। कर्ण और दुर्योधन अपने सभी साथियों के साथ, कौरव साथियों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने आते हैं और जंगल में पिकनिक मनाते समय अज्ञातवास में वो यक्ष की पत्नियों को, यक्ष की कुमारियों को, उनको छेड़ देते हैं। यक्षों की ढेर सारी आई थी नहाने के लिए, आई थी तो उनको छेड़ दिया उन्होंने, शराब पिए हुए थे। दुर्योधन तो नाम था ही सुयोधन था, सुयोधन से दुर्योधन नाम पड़ा उसका, बुद्धि खराब थी। उसने छेड़ा तो उसके मित्र ने, कर्ण ने उसका साथ दिया, सबको बंदी बना लिया गया, स्पेशली इन दोनों को, क्योंकि दोनों धनुर्धर थे, बहुत बढ़िया प्रख्यात धनुर्धर। और कर्ण और यक्षों ने कहा कि अब इनको मारना है, अपने को जलाना है इनको, पेड़ से बांध दिया, उस पेड़ को जलाने की योजना बन रही थी। और जलाने की योजना बन रही थी ये पता चला करीब करीब 10-15 मील दूर पांडव अज्ञातवास में थे, पता चला तो भगवान के सबसे प्रिय युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, संवेदना के प्रतीक युधिष्ठिर, उन्होंने कहा भाई देखो कुछ भी हो हमें उन्होंने सजा दी, हमारे कुकर्म है, हमने कोई गलती की होगी, हमारे प्रारब्ध हैं, पर उनको यक्ष आके मारे और हम लोग देखते रहें, हमारे भाई हैं पांचों, इसको कहते हैं धर्मराज। धर्मराज वो होता है जो धर्म की रक्षा करता है और धर्म का परिचय देता है। बोले तुम जाके बचाओ उनको। तो अर्जुन कहता है मरने दो ना बड़े भैया, क्यों आप ऐसा करते हो? क्षत्रिय बोल रहा है कि मरने दो ना उनको, उन्होंने तो हमको मारने की कोई कसर थोड़ी छोड़ी है, लाक्षाग्रह में जला दिया, सब कुछ किया उन्होंने, सब कुछ करने की कोशिश की, पर हम बच गए, हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा न होती तो हम लोग नहीं बच पाते। ऐसी स्थिति से निकालने के लिए बार बार कहते हैं धर्मराज कि जाओ अर्जुन और भीम तुम दोनों जाओ और तुम जाके उनको बचा के आओ। जाते हैं, बचा के लाते हैं, उन लोगों को निकालते हैं, छुड़वाते हैं और यक्षों को भगाते हैं वहाँ से। और उसके बाद अर्जुन उनको लताड़ मारता है, दुष्टों कौरवों तुम्हारी यही गति होगी, तुम्हारी तुमको जब जब ऐसा होगा तो हम बचाने बार बार नहीं आएंगे, अब अगली बार तुमको जब ऐसा होगा तो तुम खुद पिटोगे, इनके हाथों पिटोगे जो जिनको तुमने छेड़ा है।
अब ये वाक्य सुनने के बाद दुर्योधन से रहा नहीं गया। दुर्योधन ने कहा, ये सुना के कौन चला गया? अर्जुन चला गया, मेरा कट्टर दुश्मन दुर्योधन ने कहा, वो मुझे सुना के चला गया, और वो भी अज्ञातवास में था। उसमें उसने कहा दुर्योधन ने कि मैं तो शरीर छोड़ूंगा, अपना शरीर छोड़ूंगा, शरीर त्याग दूंगा। तो उसने चिता सजाई, चिता सजाने के बाद लकड़ी वकड़ी सब आ गई, सारे लोगों ने प्रार्थना की भी तुम कैसे जा रहे हो, क्या जा रहे हो, पर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी उसने, लेट गए जा करके। इतनी देर में न जाने कहाँ से असुर शक्तियाँ आईं, बहुत सारी असुरी शक्तियाँ। उन्होंने कहा, असुरों के देवता दुर्योधन, राक्षसों के देवता असुर, राक्षसी शक्ति के देवता दुर्योधन, हम तुम्हारे दूत हैं, हम इस धरती पर श्री कृष्ण का साम्राज्य स्थापित नहीं होने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि देवी सत्ता स्थापित हो, तो हम लोग तुम्हारा साथ देते हैं हमेशा, और तुम हमारा साथ छोड़ के जा रहे हो, तुमको जलने नहीं देंगे हम। दुर्योधन उठ के बैठ गया, अभी कौन हो तुम लोग? बोले, हम सूक्ष्म आसुरी शक्तियाँ हैं, ये जो है ना अहंकार, ईर्ष्या, जलन, पीठ पीछे बुराई करना, ये सब आसुरी शक्तियाँ हैं। बोले, हम ये हैं और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे इस तरह से, तुमको युद्ध करते हुए मरना हो तो स्वीकार हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम रहोगे तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो हम तुम्हें बचाएंगे। दुर्योधन कहता है, भाई जब मेरे साथ इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ, तो मुझे क्या बचना, मरना। उठ के बैठ गया, उसने कहा, हटाओ भाई ये सब साधन, हटाओ पूरे शव यात्रा, अब शव यात्रा नहीं निकलेगी, अब हम पांडवों से लड़ेंगे। ये चीज़ बताती है मित्रों कि लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच में नहीं थी, दो भाइयों के बीच में नहीं थी, लड़ाई थी नीति और अनीति के बीच में। अनीति का पक्षधर था दुर्योधन और नीति का पक्षधर थे पांडव। पांडवों के पक्ष में थे श्री कृष्ण और उनके पक्ष में थे सारे असुर। तो ये सुर और असुर की लड़ाई है। आज जो लड़ाई है हम सब के बीच में, वो है देवत्व की और असुरत्व की। क्या देवत्व जीतेगा, क्या अच्छाई जीतेगी, या असुरता ही जीतेगी हमेशा, हमको खुद से प्रश्न करना है। चारों तरफ असुरता की बाढ़ आई हुई है, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, कन्या सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे लोगों की नगरी बेंगलोर जैसे शहर में रात को घर लौटने वाली आईटी कंपनी की बच्चियाँ हाईजेक कर ली जाती हैं टैक्सी के द्वारा, और वहाँ बलात्कार होता है और मास रेप होता है। कैसा समय आ गया? ऐसे समय में तुम घर बैठे शांति से चुप रहना चाहते हो? ऐसे समय में तुम क्या चाहते हो कि भगवान आके धरती को बचाएं? भगवान नहीं बचाएंगे, भगवान ने आपके अंदर जो देवी शक्ति दी है, उस देवी शक्ति को संगठित होना जरूरी है। उस देवी शक्ति का संगठन जब होगा, जिस दिन होगा, उस दिन हम सब मिलकर के हम आसुरी शक्तियों से लड़ सकेंगे। तो आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए देवी शक्तियों का संगठन खड़ा किया, उसका नाम है गायत्री परिवार। आप सबके अंदर का देवत्व जागना चाहिए, और आप सबको पहचानना चाहिए कि जो अर्जुन जिस असमंजस से गुजर रहा है, वो असमंजस कभी हमारे ऊपर भी आ सकता है। अर्जुन से कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो का मतलब होता है छोड़ दे, उत्तिष्ठ यानी खड़ा हो जा। परंतप, शत्रु विनाशकारी अर्जुन, परंतप का मतलब होता है शत्रु विनाशकारी। हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, भाई तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ मैं, तुम सभी को, बहनों को, भाइयों को, और हमारे सब जोन के लोगों को भी, सबको, सब गीता पढ़ना चालू करो भाई। गीता पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तुमको। गीता में गुरुदेव का संदेश निहित है पूरा। परम पूज्य गुरुदेव इस युग के योगेश्वर हैं, और योगेश्वर होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सब के सब गीता में सारांश रूप में है। आप गीता नियमित रूप से पढ़ा करो, आप देखना गीता से आपको इतना संदेश मिलेगा, इतना मार्गदर्शन मिलेगा कि आप देखते देखते आप कहीं भी कहोगे अपनी बात तो स्वीकार होगी। आप गीता पढ़ना चालू करो। त्यक्तो तिष्ठ परंतप, कठिन नहीं है संस्कृत, मैं तो आपके सामने संधि विग्रह करके बता रहा हूँ। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्रता और दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो यानी छोड़। अब समझने में कहाँ दिक्कत आई बताओ भाई? गुजराती लोग तो संस्कृत के बहुत नज़दीक हैं, संस्कृत के कई शब्द यूज करते हैं, तो फिर संस्कृत समझने में कहाँ दिक्कत हो रही? त्यक्तो तिष्ठ परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, उठ के खड़ा हो जा। देखिए नाम भी कितना विलक्षण यूज़ किया है व्यास जी ने गीता में, शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो शत्रुओं का विनाश करता है और इस शत्रु को नहीं देख पा रहा है जो अंदर तेरे बैठा हुआ है, क्लीवता,
नपुंसकता, कायरपा, कायरता, कायरता को से मुक्त हो, नपुंसकता से मुक्त हो। शुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तो जिष्ठ परंतप क्लैव्यम मास मगम पार्थ नायतत्व पद्धति, पहली लाइन थी इसकी। क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़ और क्या कर, क्लैव्यम मा, मा यानी नहीं, स्मगम पार्थ, तो उसको भूल जा। न एतत्व उपदेते, तुझे शोभा नहीं देता, तुझे शोभा देता। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं अपना संदेश एक ही लाइन में देने वाला हूँ, न एतत्व उपदेते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। न एतद यह, न यानी नहीं, एतद यानी यह नहीं, उपपद्यते तुझे शोभा देता, तुम्हें शोभा देता, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। आचरण, तुम्हें जो आचरण शोभा देता है उस आचरण के अनुरूप तुम अपने जीवन को जीना चालू करो। तुम गुरुदेव के पुत्र हो, गुरुदेव की पुत्रियां हो, और गुरुदेव के पुत्र पुत्रियां होने के नाते तुम्हारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, इतना बड़ा काम करना है जितना इतिहास में आज तक इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, इतने बड़े बड़े संग्राम हुए। आज़ादी का संग्राम हम लोगों ने जीता, आज़ादी के बाद भी हम लोग अभी आज़ाद नहीं हुए सांस्कृतिक दृष्टि से। तो ये सांस्कृतिक रूप से आज़ादी दिलाने वाला जो अभियान है, ये 2026 से आरंभ होगा, 2040 तक चलेगा। अरे यार डॉक्टर साहब ने क्या लंबी डेट दे दी, तो बहुत लंबी डेट है, इतना तब तक जिंदा रहेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, आप में से कोई नहीं मरेगा, सब जिंदा रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, आश्वासन देते। बूढ़े हो गए तो भी क्या हुआ, नया जन्म मिलेगा, तो कोई मिशन का काम करने के लिए किसी घर में बच्चे के रूप में जन्म लोगे, छोटे बच्चे के, तो और फिर से नए खड़े हो गए, फिर से बच्चे बनोगे, फिर से मिशन के रंग में रंगोगे, और पूर्व जन्म के भगवान ने कहा है कि तत्स्वयं संसिद्ध योगेन आत्मनिवंदति, वो स्वयं संसिद्धि अंदर से उसकी जो संस्कारों की सिद्धि जो है ना, अपने आप बोलने लगती है कि मैं कौन हूँ। हम सब संस्कारवान हैं, इसलिए हमारे अंदर से ये आया कि हमें गुरुदेव का काम करना चाहिए। क्या पड़ी थी, जैसे और लोग रहते हैं मस्ती से रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सड़क पे घूमते हुए तमाशा देखते हैं, दिखाते हैं दुनिया भर को, वैसे हम भी रहते नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं। जब ऐसी आपकी पहचान हो गई तो फिर उसके बाद आप जीवन को पूरी तरह से 180 डिग्री का मोड़ दो, पूरा नए सिरे से एक तरह से मोड़ो, और मोड़ करके अपने जीवन को पूरी तरह से गुरुदेव के काम में लगाओ। इस काम में कई सावधानियां बरतनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहली सावधानी ये है कि बहुत नाम होगा आपकी वक्तृता की, वक्तृता यानी भाषणबाजी, आपकी भाषण की बहुत तारीफ होगी, लोग आपसे बहुत कहेंगे कि बहुत अच्छा बोलते हो। तुम्हें आ करो नहीं कि तुम्हें आ राजनीति में आवी जाओ, तुम्हें राजनीति में राजकारण में आवी जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा बोलो, बहुत सारा बोलो छो, तुम्हें आपके अंदर लीडरशिप है, वो आपके आपको तारीफ करेंगे, आपको नहीं जाना उधर, नहीं जाना। राजकारण वाले हमारे पाँव छुएंगे और हमारे साथ चलेंगे, हमारे पीछे चलेंगे, पर हमको उनके पाँव नहीं छूना है। मैंने राज्यसभा का पद ठुकरा दिया, उसके बाद लाखों करोड़ों व्यक्ति मेरे को पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपने रास्ता दिखाया हमको कि महावीर का रास्ता कैसा था और बुद्ध का रास्ता कैसा था, ये आपने इस युग में दिखाया। आपको भी दिखाना है कि हमें नहीं चाहिए राजकारण। आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, जगह जगह बुलाया जाएगा, पर कभी परेशान मत होना कि ये आपका सम्मान है, ये मानना गुरुदेव का सम्मान, माता जी का सम्मान है, शांतिकुंज का सम्मान है, हमारी परंपरा का सम्मान है। ये मत समझना मेरा सम्मान है। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि मेरा सम्मान है, उस दिन वो मैं जो है ना वो खा जाएगा आपको, पूरी तरह से खा जाएगा वो मैं। जिस दिन विकसित हुआ, डेवलप हुआ, वो मैं ही विष है, सबसे बड़ा अहंकार जो है सबसे बड़ा विष, मैं ये बार बार इतने ज़्यादा ठक 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 मारता है सिर में कि आदमी के हेड इंजुरी नहीं होती तो हेड इंजुरी हो जाए, इस तरह का ठक ठक मारता है। आप ये मान के चलना कि मेरा कुछ नहीं है, हम तो चल रहे हैं, चलाने का काम हमको गुरुदेव कर रहे हैं। कई गीत हमारे बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, बड़े सुंदर गीतों में मैसेज आता है कि हे गुरुवर हम तो चल रहे हैं पर तू चला तो तू रहा है हमें, तुम हो चलाने वाले। वो कौन सा गीत है वो जो अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी राह चला लो, हमें हाथ ले हमें हाथ दे, अपने
अपने अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। अब बस अपने को समर्पण भाव से सौंप दो ना, गुरुदेव को सौंप दो, माता जी को सौंप दो, अपनी गुरुसत्ता को सौंप दो बस। उसके बाद फिर मोड़ के नहीं देखना, फिर ये नहीं सोचना कि हमारे लिए ये जरूरी है, हमारे लिए ये जरूरी है। भाई अब हमारा प्रवचन सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग, सारे के सारे युग निर्माणी हैं, सैनिक सैनिक हैं हम महाकाल के। हमारे शस्त्र क्या हैं? प्रखर प्रतिभा निष्ठा। हमारे पास वो एक लाइन सुना देना, कौन सी है? शस्त्र हमारा गुरु अनुशासन, सुना दो। शस्त्र हमारे गुरु अनुशासन, अस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। ये हमारी जो है पूंजी है, मेन पूंजी ये है। और जब तक ये पूंजी हमारे साथ रहेगी तब तक हम कभी दिक्कत में नहीं पड़े। अस्त्र को भी याद रखो, शस्त्र को भी याद रखो, और सैनिक हैं हम महाकाल के। तो महाकाल के सैनिक को किसी छोटे छोटे चीज़ों में गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये सम्मान छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सम्मानों के पीछे इनसे बड़ा सम्मान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जब नया युग निर्माण होगा, नव निर्माण होगा। तो जो युग निर्माण के कार्य पे आगे बढ़ते समय, आगे चलते समय बहुत सारे आपको बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं में आप हमेशा अपना ध्यान रखना कि हमको अहंकार कभी तंग न करने पाए, हमको कभी परेशानी ना हो किसी प्रकार की। सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। श्रद्धा निष्ठा हमारी बढ़ती रहे गुरु कार्यों के प्रति, गुरु के आदर्शों के प्रति। तो जब हम लोग कभी भी चलें, किसी भी कार्य में चलें, आगे बढ़ें, तो ध्यान रखना है कि कभी भी हमें सम्मान की आकांक्षा गड़बड़ा न पाए। लोकेशना से बड़ी कोई समाप्त करने वाली चीज़ नहीं है लोकेशना। मैं विशिष्ट हूँ, मुझे लोग विशेष जाने, मुझे जाने पहचाने, मुझे जाने। आपने गाना सुना होगा, अरे दीवानों मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, सुना है कि नहीं? मालूम है ना तुमको? ये मैं हूँ कौन जो है, ये लोगों को बताने के चक्कर में आप लोग गड़बड़ा जाते हो। मैं आप अपने आप को अपनी मर्ज कर दो आइडेंटिटी गुरु सत्ता के साथ। आज जाते समय युवा पथ पाते ये कि युवा को गल जाना है, युवा को अपने आप को गला देना है पूरी तरह से गुरु सत्ता के साथ। और गुरु सत्ता के साथ गल जाने के बाद फिर अपना अस्तित्व नहीं रह पाता। जैसे बूंद गलती बूंद मिलती है समुद्र में, तो उसके बाद बूंद को आइसोलेट करो अलग से, वैज्ञानिकों तुम सब लगाओ आओ और वैज्ञानिकों इनमें से बूंद निकालो, कहाँ से हमारी वाली बूंद का क्या हुआ। अरे तुम एक बार पांव डाल के देखो गंगा में, तुम दूसरा कदम रखोगे तो दूसरी गंगा में रखोगे, वो गंगा तो बह गई आगे चली गई। समय अपने आप आगे बढ़ा देता है सब चीज़ों को। आपका कभी भी एक बार में पांव रखते हो तो दूसरा पांव आपका जब दूसरी बार रखते हो एक मिनट बाद, तो वो दूसरी गंगा में होता है, इस गंगा में नहीं होता, वो गंगा तो आगे निकल गई, समुद्र में जाके मिल गई। इसलिए कभी भी इस बात पे ध्यान, इस बात की परेशानी मत रखना मन में कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब अच्छा ही हो जाए। तो सबसे पहला विष आपके लिए लोकेशना, दूसरा विष है पुत्रेशना। पुत्रेशना यानी हमें, हमारे बेटे को, हमारी पत्नी को, हमारे घर वालों को, हमारे सदस्यों को और हमारी कामवासना को तृप्ति मिलती रहे सबको पूरे, इनके लिए हम सब कुछ इकट्ठा कर सकें। मित्रों सारी राजनीति का खेल पुत्रेशना पर टिका हुआ है। कितने परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इसी में लगा रखा है, कितने लोगों ने केवल राजनीति में पूरी तरह से लिप्त कर रखा है उनको, और न जाने कितने करोड़ों का घोटाला करते रहते हैं। कमांड थाई छे, कमांड जगह जगह कमांड हो रहा है, पूरा का पूरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पिता बनाने के बजाय, अच्छा बेटा बनाने के बजाय उसको आपने राजनीति की डोर थमा दी, और उसके बाद वो घोटाला कर रहा है। घोटाला करके अपने बाप के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, और बाप के चुनाव के लिए चूंटनी आने वाली है तो ऐसे ही होगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि आपको कभी पुत्रेशना सताने न पाए। आपको अपने पुत्र को अपने आप योग्य बनने दो। हमने अपने पुत्र को अपने आप योग्य होने दिया, वो योग्य होता चला गया। कुछ नहीं किया हमने, सारा साहित्य गुरुदेव को उसके सामने रख दिया, वो पढ़ता चला गया और गुरुदेव का साहित्य पढ़ के उसने अपने आप को अपने ढाल लिया, अपने हिसाब से ऐसा ढाल लिया कि वो आपके दिलों पर राज करता है आज। वो इसी वजह से केवल, क्योंकि उसने गुरुदेव का स्वयंसेवक बनने की एक शपथ ली कभी किसी जमाने में, शपथ समारोह में, छोटा सा था 16 साल का। मैं गुरुदेव की स्मृति में विशेषांक लिख रहा था, तो मैं अखंड ज्योति के कई अंकों को, पुराने अंकों को मैं निकाल के पढ़ रहा था,
तो मैंने पिछले सारे जितने थे 40 से लेके 38 से लेके 90 तक के सारे अंक निकाल करके गुरुदेव के संस्मरण निकाले पूरे पूरे। तो उसने आके मुझे कहा, पापा मैं आपका थोड़ा कुछ सहयोग कर सकूँ? मैंने कहा बेटा तू पढ़ इन अंकों को, पढ़ते पास टाइम हो तो, टाइम नहीं हो तो जाके खेल। छोटा था, 14-15 साल का। उसने उन किताबों को अखंड ज्योति को पढ़ा, पढ़ पढ़ के फ्लैग लगाता चला गया। मैं उन फ्लैगों के हिसाब से पूरा पढ़ता चला गया, मैटर निकालता चला गया। एक पूरा का पूरा विशेषांक लिखा मैंने, जो दो तीन महीने की पत्रिका थी पूरी, युग शक्ति में भी छपा, अखंड ज्योति में भी छपा, और वो आज भी लोगों के लिए संग्रह करने योग्य अंक है, जिसमें गुरुदेव के बारे में 1990 में जुलाई अगस्त 1990 का संयुक्त अखंड ज्योति अंक अभी भी पढ़ने योग्य है। हमने इसलिए नहीं छापा उसको फिर से उस पत्रिका किताब के रूप में, क्योंकि उसके बाद और नए नए चैप्टर एड होते चले गए। तब चेतना की शिखर यात्रा का चौथा खंड उसी के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा। चेतना की शिखर यात्रा का चौथा खंड उसी पर आधारित है पूरा। अभी तीन खंड निकल चुके, चौथी यात्रा चौथी उस पर निकलेगी। मित्रों, ये जो है पुत्रेशना ये विष, लोकेशना विष, तीसरा है वित्तेशना पैसे की कामना। पैसा हमारे पास आए, आपको कोई भी पैसा दे कि भाई साहब हमको तो नहीं मालूम कैसे भेजना है, पर आप शांतिकुंज पहुंचा देना, गायत्री तीर्थ पहुंचा देना, ये गायत्री माता वास्तव हमारे लिए नहीं है, ये आपको हम दे रहे हैं, आप हमारे माध्यम बन जाइए। तो आप तुरंत रसीद देना, रसीद नहीं है तो रसीद बुक मंगा लो शांतिकुंज से, और रसीद बुक का हिसाब रखो, रसीद बुक का हिसाब रख करके उसी हिसाब से काम चलो। कभी भी हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के पाई पाई का एक एक चीज़ का हिसाब किताब हो। अगर आपके पास कुछ गड़बड़ हुई तो आप मान के चलिए कि आपका पतन चालू उसी दिन से हो जाएगा। जो पैसा भगवान का नाम पर दिया गया है वो भगवान के नाम पर ही यूज़ होना चाहिए, भगवान के लिए ही जाना चाहिए, वो उसी युग निर्माण के काम में लगना चाहिए। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमको खा जाती हैं। दो तीन ऐशनाएँ और हैं जो सुना देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि मेरे मन में क्या चलता रहता है, आपको सुने समझने में आएगा। कई बार लोगों को लगता है कि हमको माइक पे बोलने का मौका नहीं मिला, माइक पे सब लोग बोलते रहे, माइकेशना माइकेशना माइक पे बोलने की इच्छा, ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। जितने देखो जिसको देखो लोग माइक के लिए दौड़े जा रहे हैं। अरे मोदी जी के कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहीं, तो कम से कम कुछ 10-15 लोग उनके पहले बोल लेते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक भीड़ को जमाने के लिए। जब वो आते हैं तो फिर वही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता, और वो जो एक 15 मिनट में 10-15 मिनट बोल जाते हैं उसके बाद सारा प्रभाव जो है उन्हीं का रहता है, बाकी वो जो 10-15-20 बोल चुके थे उनका किसी का प्रभाव नहीं रहता। आप अपने आप को कभी मत ये मत मानो कि आप किसी काम के व्यक्ति हो, आप केवल गुरुदेव के लाउड स्पीकर हो। गुरुदेव के लाउड स्पीकर बन जाओगे तो उनका संदेश सुनाना चालू कर दो। भाई कृष्णा मंचेशना, मंच पे बैठने की इच्छा, अरे मैं तो इतने उससे गया था वहाँ इच्छा से, पर वहाँ मंच पे बैठने भी नहीं दिया मेरे को, नहीं मंचेशना ने मंच पे बैठने की इच्छा नहीं। फोटो खिंचाने की इच्छा, फोटेशना फोटो खिंचाने की इच्छा, डॉक्टर साहब के साथ फोटो खिंचाने का बहुत मन था पर नहीं खिंचा पाया मैं। कोई बात नहीं, મારો ફોટો અવેલેબલ છે અખંડ જ્યોતિમાં, યુગ શક્તિ ગાયત્રીમાં, તેને સાથે તમે ફોટો ખેંચા લી લો, કોઈ દિક્કત નહીં હૈ ભાઈ। મેરે ફોટો કે બજાય તું મેરા જિન આદર્શો પર મેં ચલા હું ઉન આદર્શો પર ચલને કોશિશ કરો। તુમ ભી અખંડ જ્યોતિ કે લીએ જો તુમ પઢતે હો, યુગ શક્તિ ગાયત્રી પઢતે હો, ઉસી કો જીવન મેં ઉતારને કોશિશ કરો। અસમંજસ મેં નહીં પઢના કભી કે યે કરું કે નહીં કરું, યે કરું કે વો કરું, અરે એક હી કામ કરના, એક દિશા મેં ચલના સીધા। ગુરુદેવ ને ગીત લિખવાયા તો ઉત્તર સે આ રહી નિરંતર દિવ્ય શક્તિ કી ધારા, फिर क्यों साहस कांप रहा है इसके बीच तुम्हारा। उत्तर से आ रहा है निरंतर, उत्तर यानी हिमालय, हिमालय से शक्ति की धारा आ रही है, शक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, शक्ति आ रही है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन में वो काम आएगी, वही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। दिव्य शक्ति का साथ होता है तो उनके अनुदान मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं तो आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। मित्रों, जब कभी भी आप किसी के घर जाओ तो आप याद रखना कि आप गुरुदेव के दूत बन के जा रहे हो, उनके स्वयंसेवक बन के जा रहे हो, मालिक बन के नहीं जा रहे हैं। किसी के घर जाके धावा नहीं बोलना है, किसी के घर जाके अटैक नहीं करना है कि हम आपके आए हैं, आपके आए हैं, आपके आए हैं। आपको मालूम होगा गायत्री परिवार के यहाँ के हम लोकल संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, आपको मालूम होगा हम यहाँ पे जोनल प्रमुख हैं, उप जोनल प्रमुख हैं,
नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपको तो बस अपना मिशन का संदेश देना है और चल देना है। किसी के यहाँ जाके पसंद अपनी नहीं बतानी, पसंद नहीं बनना बतावनी। हमने खाना आपके लिए बना के रखा है, आप खाना खा के जाएंगे ना, तो खाने में आपको क्या पसंद है किसी को मत बताना खाने में क्या पसंद है। जिस किसी के यहाँ जाओ ठहरो, रात को ठहरना भी पड़े मान लो तो ठहरो, पर बताना मत। मेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, एक गुजरात की रहने वाली सीधी सादी सी महिला थी, और कभी मेरे बारे में कभी नहीं बताया किसी को कि इसको पसंद क्या है मेरे बारे में। पर हमारे मेरे जब अमेरिका प्रवास पे मैं गया 1990 में, तो उन्होंने वहाँ के लोगों ने फ़ोन कर करके मेरी माँ के मुँह से निकलवा लिया 3-4 महीने के अंदर कि मुझे क्या पसंद है। मुझे कुछ पसंद था कि नहीं मुझे ये भी नहीं मालूम, आज तक याद नहीं है। पर मेरी माँ ने कहा कि भाई मुझे तो मालूम भी नहीं, अब तो मेरे पास वो 1965-66 में मेरे पास से गया था, उसके बाद से मेरे पास है ही नहीं। वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, उसको सब पसंद है, जो बनती है सब्जी सब खा लेता है, कभी कोई अलग से अपनी डिमांड उसने बताई नहीं। माँ के बोलने के बावजूद भी नहीं, माँ जी कोई ना कोई तो बात होगी जो उनको पसंद होगी, तो माँ के मुँह से निकल गया सहज। उसको श्रीखंड पसंद है और करेले की सब्जी पसंद, बस बोल दिया माँ ने, बोल दिया। अब माँ ने बोल दिया तो पूरे अमेरिका में मैसेज घूम गया, डॉक्टर साहब के लिए सब जगह श्रीखंड बनेगा, सब जगह करेले की सब्जी बनेगी। अब वो संदेश ऐसा गया कि जब मैं गया 1990-91 में, तो मेरे को सब जगह करेला की सब्जी खानी पड़ी, सब जगह मुझे श्रीखंड खाना पड़ा। वो इसलिए कि मेरी माँ के मुँह से गलती से निकल गया था। आपकी इच्छा कभी नहीं पता चलना चाहिए किसी को, आप जिस किसी के जाओगे तो आप वहाँ कभी अपनी इच्छा मत बताओ। आप तो बोलो जो माँ जो आपने बनाया ना वो प्रसाद है भगवान का, अगर थोड़ी सी फीकी वाली बिना शक्कर की खीर भी बनाइए तो हम खीर ले लेंगे, फीकी खीर ले लेंगे। खीर नहीं बनाइए तो आप पानी पिला दो, हम पानी पी लेंगे। आप वरियाली खिला दो, बस वही खा के हम चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। पर अपनी डिमांड नहीं रखेंगे हम कुछ भी, अपनी इच्छा नहीं रखेंगे। ये आप जरा ध्यान रखना कि हमेशा अपनी इच्छा कभी नहीं थोपना। मित्रों 91 की बात तो अलग बात थी 1991 की, पर उसके बाद आज तक मैं जब भी जाता हूँ अमेरिका मुझे अभी भी करेला खाना पड़ता है। एक बात की बार कितनी बिगड़ गई कि उसने मेरे को, मैंने लोगों को समझाया भाई मेरा नहीं है, मैं तो सब खाता हूँ, पर नहीं अब है तो है, निकल गई उनके मुँह से तो मेरी माँ अब है नहीं, उनके उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। पर मैं ये कहता हूँ कि उनके मुँह से निकल गई तो उन्होंने लोगों ने उसको पत्थर के लकीर मान लिया। आपके मुँह से एक बार निकल जाएगी, यहाँ एक अपना शक्तिपीठ है जो भावनगर के पास शक्तिपीठ है, वो कौन सा है, पालीताणा, वहाँ की एक बहन है बहुत सरल सीधी सादी सी बहन। उस बहन ने हमारे यहाँ भाई, एक भाई आए थे, उन भाई से पूछा आपको क्या पसंद है, बोले मुझे खीर पसंद है, आज खीर बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है खीर बनाओ, उन्होंने खीर बहुत बढ़िया बनाई, दूधी की खीर बनाई बहुत बढ़िया, उसमें खूब चीज़ें डाली खिलाई। अब वो जितनी बार आते तो उनके लिए खीर बनती थी, जितनी बार आते थे खीर बनती थी, उनको बड़ी अच्छी लगती थी। वो दो तीन कटोरी पी जाते थे, 4 कटोरी। सरल व्यक्ति, हृदय व्यक्ति थे, अभी भी हमारे यहाँ हैं कार्यकर्ता। मेरे से मिलने आई, मेरे से पूछी बहुत दिनों से आपने उनको नहीं भेजा खीर वाले भैया को। अरे मैंने कहा कौन से खीर वाले भैया, आपका नाम बदल गया खीर वाले भैया, अरे ओरिजिनलिटी खत्म हो गई और आप न जाने क्या हो गए। मौलिकता को मिटने मत दो, सृजनशीलता रहने दो, और आप अपने अंदर के स्व को बिकने मत दो। आप ऐसा मत करो कि आप ऐसे हो जाओ कि साहब वो खीर वाले भैया, पकौड़े वाले भैया, वो फाफड़ा वाले भैया, मिर्चा वाले भैया, ऐसा नहीं हो जाए, आपका नाम नहीं हो जाए कहीं। हमें कोई पसंद नहीं बतानी, हमें कोई पसंद नहीं दिखानी। ये जो कुछ चीज़ें हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये रास्ते का पाथेय है, साधना पथ पाथेय, पथ में काम आने वाली जिंदगी लंबी है, और इस लंबी जिंदगी में हम कभी गड़बड़ाने नहीं पाएं। अगर हमको कोई अवसर आया तो हम महानता के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश करें, बस ये ध्यान रखना। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी, कोई भी नहीं आएगी, खाने पीने वाली चीज़ें, साधन सामग्री, इन सब चीज़ों से अपने जीवन को विचलित मत होने दो। आप ये देखो कि आपको अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए आपकी आत्मा का राशन क्या है। आपकी आत्मा का राशन है आपकी उपासना, साधना, आराधना।
आपकी प्रार्थना, गुरु के प्रति विनम्र भाव से प्रार्थना, हे गुरुदेव मुझे अहंकार मत देना, मुझे देना तो केवल एक ही चीज़ देना कि मेरे अंदर आपका काम करने की शक्ति बनी रहे। मैं कितना भी कमज़ोर हो जाऊँ, कितना भी बूढ़ा हो जाऊँ, वाड़िया बापू को देखा मैंने कल, इतने कमज़ोर, इतने वो बार बार मुझे बता रहे थे कि मैंने इतना काम किया। मैंने कहा, मैंने बापू मुझे सब मालूम है आपने क्या क्या काम किया। मैं जब छोटा था, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, परंतु जब मैं आज से 20 साल पहले आया था, 25 साल पहले आया था, तब भी आपने, आपके साथ मैंने घूमा हूँ, काम किया, आपने गुरुदेव के साथ काम किया। बस यही भाव मन में रहना चाहिए कि हम गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट बने, हम गुरुदेव के हाथ के हथियार बने, उपकरण बने, हम आपके हाथ के उपकरण बन सकें। वो जो लेखनी आपकी चलेगी वो वाला, ओंकार जी वो वाला लाइन सुना देना एक मिनट। एक छोटा सा अंतरा सुनेंगे, उससे पता चलेगा। मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ, लोग बहुत तारीफ करते हैं, ये लिखते हैं, लिखते हैं। मैं नहीं लिखता, प्राण चेतना का प्रवाह गुरुदेव देते हैं और वही लिखवाते हैं। लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही कल्पना, लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना। आगे बोलो। जो भी लिखेगी लेखनी वो आपकी योजना लिखेगी, मेरी नहीं होगी, मेरा कुछ नहीं, मेरा जो गला देता है, मैं को जो गला देता है वो सबसे बड़ा शिष्य बन जाता है। मैं को गलाने के बाद आपको कुछ नहीं बचता, आपको कुछ नहीं बचता, आपको नहीं बचते। देखिए ओले भी बरसते हैं, ओले भी गल जाते हैं, पर गला जल करके, गल करके फसल को भी जला देते हैं, परंतु जब शिष्य का अहम गलता है तो वो अपने गुरु को ऊंचा उठा देता है, अपने गुरु को ऊंचा उठाता है, अहम गला करके अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देता है। पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी ने खड़े किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने खड़े करने के, उनका 350वां वर्ष मना रहे हैं हम लोग इस साल। पांचों के पांचों उनके जो शिष्य थे बड़े विलक्षण थे, एक से एक बड़े के शिष्य, पर वो तब खड़े हुए जब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरह से। अरे मारा जा रहा है, गला काटा जा रहा है, तो भी हम जाएंगे, गुरु ने बुलाया हमको, चलो बुलावा आया है, गुरु ने हमको बुलाया। बस पांचों पंच प्यारे पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, न जाने कितने निकल आते हैं, हर घर से निकल आते हैं पंच प्यारे, पंच प्यारे, पंच प्यारे की सवारी निकलती है, सब उनके ऊपर फूल डालते हैं, ये मान के नहीं कि इस व्यक्ति ने किया है, ये व्यक्ति उसका प्रतीक है, पंच प्यारों का समर्पण का प्रतीक। तो कार्यकर्ताओं में समर्पण की भावना, युवा में समर्पण की भावना, त्याग की भावना आनी चाहिए, और जब तक वो समर्पण और त्याग की भावना आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप कार्यकर्ता नहीं बन सकते, तब तक आप युवा नहीं बन सकते। श्रेष्ठ युवा वो जो सज्जन हो, शालीन हो, सद्भाव संपन्न हो और हरेक के प्रति सम्मान का भाव रखता हो, बड़ों के प्रति। भाई जिन्होंने गुरुदेव के साथ 30 साल पहले, 40 साल पहले काम किया, हमारे लिमड़ी के हमारे रसिक भाई बैठे हैं यहाँ पे, 30 साल पहले, 40 साल पहले गुरुदेव के साथ इनका फोटो मेरे पास रखा हुआ है। इन्होंने काम किया उस जमाने में जब गुरुदेव एक कुंडी यज्ञ कराते थे, पांच कुंडी यज्ञ कराते थे, तब उन्होंने काम किया। तो ऐसे लोगों से राय लो, ऐसे लोगों से अनुभूतियां सुनो, उनके अनुभव सुनो, उनका सम्मान करो। सम्मान करने के लिए कोई मंच पर बिठाना जरूरी नहीं है, आप उनको केवल सम्मानित करो और सम्मान करके उनसे पूछो कि आपने क्या क्या देखा गुरुदेव, आपकी क्या अनुभूति है। पर आप अपने आप को खपा दो, खपा दो। मेरी आइडेंटिटी हो नहीं, कोई आइडेंटिटी की जरूरत एक जगह पड़ेगी, जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो आईडी कार्ड पूछेंगे आपका, वहाँ आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी, तो आधार कार्ड आपको रखना पड़ेगा अपने पास। बस आप कहीं खरीदने जाओगे तो वहाँ आईडी पूछा जाएगा, बस और कहीं नहीं पूछा जाएगा। पर वो आईडी केवल उनको दिखाने के लिए, अधिकारियों को, और किसी काम के लिए नहीं है। आप अपनी आईडी अपने आप तक रखो, अपने गुरु को दिखाओ, गुरु का काम करने में जरा भी विलंब मत करो। समय पूर्व चूक जाए उससे पहले आपको अपना जीवन लगा देना है, पूरी तरह से लगा देना। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।